गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने वो ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्वालियर बीजेपी की तपोभूमि है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राजमाता सिंधिया और अटल जी की कर्मभूमि है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ग्वालियर आने का मौका मिला है। कल भी मैं जन आशीर्वाद यात्रा में था। इस यात्रा को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने जनता से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर मोहर लगाने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने जनता को एक बार फिर से बीजेपी को चुनने का आह्वान किया। वहीं स्टालिन के बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया। वन नेशन वन इलेक्शन का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, इससे यानी देश की प्रगति और ज्यादा बढ़ेगी। तो एक साथ के इलेक्शन के कारण जो बार बार इलेक्शन होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लगते हैं, इससे डेवलपमेंट के लिए हर्डल क्रिएट हो जाता है। तो इवन द ह्यूमन रिसोर्स एंड द फाइनेंशियल एक ही साथ होने के कारण उसका बहुत फायदा देश के लिए हो जाएगा।